तो आज हम बनाने वाले हैं राज कचौरी। तो कचौरी की आवाज सुन सकते हैं आप। बहुत ही क्रंची, बहुत ही करारी और परफेक्ट राज कचौरी बनाने की टिप्स देने वाली हूँ। अगर आपकी राज कचौरी बाहर जैसी बिल्कुल नहीं बन पाती है घर पे, तो आज का वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। Hey guys, मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त मनीषा और आप देख रहे हैं सिंपलीफायर कुकिंग। आज की जो रेसिपी है वो है राज कचौरी। जी हाँ, राज कचौरी बहुत फेमस है, इंडिया का स्ट्रीट फूड है और बहुत ज्यादा चटपटा होता है। और यही रेसिपी आज हम बनाने वाले हैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। तो जरूर से रेसिपी को पूरा फॉलो करें जब भी आप ये रेसिपी को घर पे ट्राई करें। चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो राज कचौरी बनाने के लिए हमें लेने होंगे, सबसे पहले यहाँ पर लिया है मैंने 1 कप के करीब सूजी। ये जो सूजी है वो बारीक वाली है। अगर आपके पास रेगुलर वाली सूजी है तो उसे आप ग्राइंडर में ग्राइंड कर लीजिए 1 से 2 बार। सिर्फ 1 से 2 बार आप उसे घुमाएंगे 1 से 2 सेकंड के लिए, तो वो अच्छे से बारीक हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ एकदम पास से कि ये किस टाइप की सूजी है। एकदम बारीक है, आप देख सकते हैं। यही सूजी लेनी है, मोटी वाली सूजी अगर आप यूज़ करते हैं तो जो राज कचौरी है वो कचौरी नहीं होके एकदम फ्लैट पूरी बन जाएगी। तो यहाँ पर मैंने लिया है नमक। तो नमक जो है मैंने, आपको लग रहा होगा यहाँ पे काला नमक लिया है, लेकिन काला नमक नहीं है, रेगुलर नमक है। और साथ ही मैं ले रही हूँ आधी छोटी चम्मच के करीब घी। जी हाँ, अगर आप इसमें घी या ऑयल का मोन डालेंगे तो होगा ये कि कचौरी बहुत ज़्यादा कड़क नहीं बनेगी, मतलब खाने में ईजी रहेगी। इसीलिए मैंने यहाँ पर मोन डाला है इसमें आधी छोटी चम्मच के करीब। ज़्यादा अगर आप मोन डाल देते हैं तो कचौरी परफेक्ट नहीं बन पाती है, मतलब बहुत जल्दी सौगी हो जाएगी। कहने का मतलब ये है कि जब भी आप उसमें फीलिंग भरेंगे तो बहुत जल्दी सौगी हो जाएगी। तो यहाँ पर हमें इसका जो डो है वो रेडी करना है। रूम टेम्परेचर का पानी लिया है मैंने और थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करने के बाद हमें अच्छे से डो को जो है गूंदना है। और जो आटा है वो हमें कैसा लगाना है, थोड़ा सा सेमी सॉफ्ट। सेमी सॉफ्ट का मतलब है रोटी का जो आटा हम गूंदते हैं उससे थोड़ा सा टाइट, तो वैसा आटा हमें इसका रखना होगा। ये देखिए, मैं ज़्यादा पानी एक साथ नहीं ऐड कर रही हूँ, क्योंकि इनफैक्ट मैं तो ये कहना चाहूँगी कि आप पानी की मात्रा को ध्यान में ना रखते हुए डो की जो कंसिस्टेंसी है पे ज़्यादा ध्यान रखें, ताकि आपको समझ में आएगा कि किस टाइप का डो आपको रेडी करना है, क्योंकि सूजी की क्वालिटी सबके यहाँ पर अलग अलग होती है। तो आप देख सकते हैं ये डो काफ़ी सॉफ्ट लग रहा है। इसको हम रेस्ट करने देंगे लगभग 10 से 15 मिनट के लिए। तो 10 से 15 मिनट के बाद में होगा ये कि ये थोड़ा सा स्टिफ हो जाएगा, थोड़ा सा टाइट हो जाएगा डो। और आप देख सकते हैं कि इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो कुछ इस तरीके की है जैसे कि मावा होता है ना, बिल्कुल वैसा है जैसे फ्रेश मावा हम खाते हैं। ये इतना टाइट हो चुका है। तो अब हमें क्या करना है, इस टाइप के डो से रोटी या पूरी बेलने में बहुत मुश्किल होती है, और अगर आप बेल भी लेंगे किसी तरह तो वो फूलेगी नहीं। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर जो सूजी है उसमें जो बचा कुचा ग्लूटेन है वो हमें यहाँ पर रिलीज करना है। तो ये सिंपल लॉजिक की बात है, छोटी छोटी सी, जो आपको बहुत ध्यान में रखनी है अगर आप परफेक्ट कचौरी बनाना चाहते हैं। तो अब हम डो को लगभग 10 मिनट के लिए गूंदेंगे इस तरीके से। तो डो को जब हम नीट करेंगे ना, तो डो की जो कंसिस्टेंसी है उसमें आप खुद फील करेंगे बहुत चेंज आएगा। डो ऐसा हो जाएगा जैसे आप उसे अगर टर्न करेंगे तो वो मुड़ने लगेगा, टूटेगा नहीं, समझ रहे हैं आप। तो इस तरीके का डो हमें रेडी करना है पूरी बनाने से पहले। ये देखिए, यहाँ पर मैं इसे मोड़ रही हूँ, टर्न कर रही हूँ, तो ये टूट नहीं रहा है, बट ये क्या हो रहा है, फोल्ड हो रहा है खुद से। इसका मतलब कि इसमें जो है इनफ ग्लूटेन रिलीज हो चुका है ताकि हम अच्छे से पूरी को बेल पाएं। ठीक है, आई होप आप समझ चुके होंगे। यहाँ पर हम रोलिंग प्रोसेस कर लेते हैं, तो उसके लिए डो को थोड़ा सा नीड कर लेती हूँ मैं रोल करने से पहले। ये देखिए, डो यहाँ पर परफेक्ट नीड हो चुका है। और अब हमें क्या करना है, इसके छोटे छोटे लोई निकाल के अलग से रखने हैं, और एक मीडियम साइज का, मतलब नॉर्मली पूरी से थोड़ा सा बड़ा मैंने लोया इसका लिया है। और अब हम पूरी को बेलेंगे। तो पूरी को बेलने में भी आपको ध्यान रखना होगा, पूरी को ज़्यादा छोटे छोटे बेलन ना मारें। और आपका जो डो है वो ऐसा होना चाहिए कि एक बार अगर आप ऑयल लगाते हैं अपने चकले और बेलन पे, तो उसके बाद आपको पूरी प्रोसेस में ऑयल लगाने की ज़रूरत ना पड़े। आप देख सकते हैं डो यहाँ पर एकदम परफेक्ट रेडी हुआ है।
और बिल्कुल चिपक नहीं रहा है, हालांकि हमने यहाँ पर ऑयल लगाया, लेकिन बाद में भी ये नहीं चिपकना चाहिए, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है पूरी बेल ली है, पूरी बहुत ज़्यादा पतली नहीं बेलना है, अगर बहुत ज़्यादा पतली हो गई तो पूरी फूलेगी नहीं और हमारी कचौरी नहीं बन पाएगी। यहाँ पर मैंने ढक्कन दिखाया है कि अगर आप चाहें तो इस तरीके से ढक्कन से कट करके भी पूरी को आप बना सकते हैं। आप थिकनेस देख सकते हैं, लगभग 1 रुपये के कॉइन से थोड़ी सी थिकनेस मैंने ज़्यादा रखी है इसमें, तो आप वो चेक करके उस हिसाब से उसकी थिकनेस रखेगा। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, मैंने पूरी बेल ली है। यहाँ पर पूरी को आपको सूखने नहीं देना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। हो सके तो आप साथ के साथ उसे फ्राई करते जाइए, वैसे भी फ्राई करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो थैंक यू सो मच, नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके उसके पास वाला बेल आइकन जो है उसे प्रेस करेंगे तो ऑल का बटन मिलेगा, वो सिलेक्ट करके रख लीजिए ताकि सभी रेसिपीज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएं। चलिए पूरी को फ्राई कर लेते हैं। आप देख सकते हैं ऑयल को मैंने हाई फ्लेम पे रखा है, ऑयल अच्छे से गर्म होना चाहिए। फ्लेम जो है तब हाई होनी चाहिए जब हम पूरी को तेल में डालेंगे। जैसे ही पूरी जो है आप देख सकते हैं बिना कलछी को टच किए पूरी ऑटोमेटिकली फूल गई है, इसका मतलब ये है कि हमारी पूरी एकदम परफेक्ट बनी है। जैसे ही पूरी फूल जाती है तुरंत आप फ्लेम को जो है बिल्कुल लो पे कर दीजिए और पूरी को टर्न कर दीजिए। इससे ये होगा कि पूरी हमारी फूल गई। ठीक है, उसके बाद फूलने के बाद हमें इसको करना है क्रिस्पी। क्रिस्पी करने के लिए आपको इसे लो फ्लेम पे लगभग 7 से 8 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना होगा। तो आप यहाँ पर मैं इसको पूरी को टर्न करके आपको दिखाती हूँ, इसका कलर आप देख सकते हैं एकदम गोल्डन है, तो ऐसा ही कलर हमें चाहिए, इसीलिए हमें इसे लगभग 7 से 8 मिनट के लिए फ्राई करना है दोनों साइड। अब जो किनारी है आपको लग रहा होगा ये कच्ची है, तो इस तरीके से हल्के हाथों से झारे को आप प्रेस करेंगे ना तो ये साइड्स इसकी फ्राई हो जाएगी। ठीक है, अब आपको ध्यान रखने वाली बात ये है कि जब भी पूरी फूल जाए उसके बाद में कलछी को ज़्यादा टच ना करें, नहीं तो पूरी क्या है फूट जाएगी। अगर पूरी फूट गई तो उसमें ऑयल भर जाएगा, तो यहाँ पर ये मिस्टेक आप मत कीजिएगा। ये देखिए परफेक्ट कचौरी हमारी बन के रेडी हो गई है। अब इसे सिंपली हम असेंबल कर लेते हैं। असेंबल करना बहुत मुश्किल नहीं है, कोई भी कर सकता, हम सभी को पता है कि इसे असेंबल कैसे करना है। आप देख सकते हैं ये पूरी कितनी परफेक्ट फुली है, एकदम कड़क क्रिस्पी। इसका जो नीचे वाला पार्ट होता है वो जो थोड़ा सा ज़्यादा हार्ड होता है और जो ऊपर वाला पार्ट होता है वो हल्का सा सॉफ्ट होता है, ताकि हम होता तो क्रिस्पी है लेकिन खाने में ईजी रहता है। तो इस टाइप की पूरी बनाने के लिए हमें असेंबल करना है। अपने लिए यहाँ पर चने, आलू और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप ले सकते हैं। यहाँ स्प्राउट्स भी ले रही हूँ मैं, और साथ में हम यहाँ पर ऐड करेंगे चाट मसाला, ताकि यहाँ पर कटे हुए प्याज और कटे हुए बारीक टमाटर लिए हैं मैंने, साथ में थोड़े से प्याज ऊपर से भी ऐड कर दिए हैं, और यहाँ पर चाट मसाला फिर से ऐड कर दिया है। कुछ लोग इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर भी ऐड करते हैं, अगर आप चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। यहाँ पर अनार के दाने लिए हैं और फाइनली कर्ड, ये जो है जो दही है उसमें चीनी मिली हुई नहीं है, अगर आप चाहें तो चीनी भी मिला सकते हैं। यहाँ पर मैंने डाली है हरी चटनी, अगर हरी चटनी की रेसिपी आपको चाहिए तो मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी साथ ही साथ। और ये है डेट्स और इमली की चटनी, तो इसकी लिंक भी मैं साथ ही साथ दे दूँगी, ये ऐड कर दीजिए। ऊपर से थोड़े से अनार के दाने डाल दीजिए, बारीक वाली नमकीन ऐड कर दीजिए और हरे पत्ते धनिए के, तो परफेक्टली चाट जो है ये हमारी राज कचौरी चाट बनके रेडी हो चुकी है। ऐसे ही बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए। ये देखिए आ गया ना मुंह में पानी। परफेक्ट राज कचौरी बनाने की सारी टिप्स और ट्रिक्स आज मैंने आपको बता दी है, आई होप आप समझ गए होंगे। और अगर ऐसी रेसिपीज आप देखना चाहते हैं आगे तो रेसिपी को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करना अगर ये रेसिपी यहाँ तक देख चुके हैं। चलिए मैं मिलती हूँ नेक्स्ट ट्यूसडे को, तब तक के लिए बाय बाय।